एक अच्छे अभिनेता यानी कि एक्टर के लिए कभी भी उम्र कोई मायने नहीं रखती, इसलिए तो 56 साल की उम्र में भी टॉम क्रूज एक बार फिर से धमाकेदार तरीके से लेकर आए हैं अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। आज यानी कि 27 जुलाई को रिलीज हो चुकी है टॉम क्रूज की ये फिल्म। कैसी है फिल्म, क्या खास है, चलिए सब कुछ बताते हैं आपको इस फिल्म रिव्यू में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। 27 जुलाई यानी आज ही के दिन रिलीज हुई है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। फिल्म के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी, वहीं पर आर्टिस्ट है फिल्म के टॉम क्रूज, हेनरी काविल और रिबेका। फिल्म में एक्शन है, एडवेंचर है, थ्रिलर है, लेकिन 56 साल की उम्र में भी अभिनेता टॉम क्रूज दांतों तले उंगली दबा देने वाले स्टंट करते हैं और साबित कर देते हैं कि इस उम्र में भी वो किसी से कम नहीं है। जो काम ब्रिटेन के लिए जेम्स बॉन्ड करता है, वहीं पर अमेरिका के लिए काम एजेंट इथन हंट करता है। मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी है और टॉम क्रूज के करियर में इस फिल्म का भारी योगदान है। 1996 में सीरीज की पहली फिल्म के बाद हर 4 से 6 सालों के बीच मिशन इम्पॉसिबल की एक और सीरीज आती है और बॉन्ड फिल्मों से अलग इस फिल्मों में अभी तक टॉम क्रूज ही लीड एक्टर रहे हैं। इस बार भी एजेंट हंट और उनके जाने पहचाने साथी एक मिशन पर हैं और हर बार की तरह इस बार भी मिशन कुछ गड़बड़ हो गया है। मिशन इम्पॉसिबल की इस छठी फिल्म का नाम है फॉलआउट और इसके लेखक और निर्देशक हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी। क्रिस्टोफर इससे पहले मिशन इम्पॉसिबल का 5वां भाग यानी कि रोग नेशन भी निर्देशित कर चुके हैं और उस फिल्म की जबरदस्त तारीफें हुई थी। अब वो एक बार फिर से इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं और टॉम क्रूज उनकी पसंदीदा हीरो है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है इस फिल्म का पहला सीन। यहाँ भी पहला ही सीन आपके रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म में सुपरमैन बनने वाले एक्टर हेनरी काविल भी जबरदस्त रोल में है और वो एक CIA एजेंट के रोल में है। फिल्म की कहानी रोग नेशन को पीछे छोड़ती हुई पिछले भाग की कहानी को पूरा करती है, जिससे आपको एक पूरी फ्रेंचाइजी का एहसास होता है। सोलोमन लेन नाम का अपराधी एक न्यूक्लियर वॉर करवाना चाहता है और अपने दुश्मन देशों को एक झटके में मिटा देना चाहता है। फिल्म में सुपरमैन का किरदार निभा चुके अभिनेता हेनरी काविल भी बेहतरीन रोल में है। तो कुल मिला के कहानी हम आपको कितने भी समझाने की कोशिश करेंगे, यहां वो मजा नहीं आएगा जो आपको फिल्म देखने में मजा आएगा। और जाहिर सी बात है, टॉम क्रूज की फिल्म है, मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज है, तो जबरदस्त एक्शन होगा और कमाल का प्लॉट होगा। डायरेक्शन के बारे में तो कहना ही क्या। फिल्म के अट्रैक्शन पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि फिल्म को क्यों देखने जाएं। भाई, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो हमने आपको पहले बताया, इसका सीन ही होता है। पहला सीन आपको सीटियां बजाने पर, तालियां बजाने पर मजबूर कर देता है, अगर आपको सीटी बजानी आती है तो। हर बार की तरह फिल्म में भव्य सेट है, मेगा एक्शन है, फिल्म टॉम क्रूज की फिल्मों की जान बनते जा रहे हैं। फिल्म में लाजवाब एक्शन जो आमतौर पर बॉलीवुड से नजारत ही होता है, बाइक रेस है, हैंड फाइट, स्काई डाइविंग, इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसकी उम्मीद दर्शकों को टॉम क्रूज से रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 56 साल की उम्र में फिल्म के कैमरा वर्क से लेकर बैकग्राउंड स्कोर तक सभी कुछ अद्भुत है और आनंद की अनुभूति होती है। इस फिल्म में आपको गलतियां ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली है। और अगर आप इस हफ्ते कोई एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। और जाहिर सी बात है, वीकेंड है, मौसम भी अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो घूमने आप जरूर जाएंगे। फिल्म का प्लान बनाएंगे फैमिली या दोस्तों के साथ तो ये फिल्म आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने दमदार एक्टिंग की है। टॉम क्रूज की एक्टिंग को जज करना ही नामुमकिन है, इतने कमाल के एक्टर हैं। तो जबरदस्त फिल्म है, अगर आपने इस वीकेंड का अच्छा प्लान बनाया है तो जाइए मिशन इम्पॉसिबल को देखने के लिए। जहां तक बात है फिल्म को रेटिंग्स देने की, तो बेशक आप इसे 5 में से 4 या 4.5 स्टार आराम से दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।